अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सारास व्लॉग्स। तो इस वक्त टाइम है सुबह के 6 बजे का और मैं बना रही हूँ एक मज़ेदार सा नाश्ता। इस नाश्ते में हम तैयार करेंगे सफ़ेद चने। तो सफ़ेद चने मैंने रात को भी बोल दिए थे, तो ये इस तरह से भून चुके हैं, आप देख सकते हैं। और इसमें अभी मैंने ऐड किया है नमक, हल्दी और सुरख मिर्च, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आप अपने खाने में पसंद करते हैं। और अब हम इसमें बाकी मसाले ऐड करेंगे। ये मसाले मैंने यहाँ पर चॉपर में डाल के रखे हुए हैं और अब हम इनको पीस लेते हैं। मसाले हमारे पीस चुके हैं और ये इस तरह से स्मूदी फॉर्म में आ गए हैं। अब हम इसको हांडी में शामिल करेंगे। मसाले भी मैंने ग्राइंड करके कुकर में डाल दिए हैं और पानी मैंने इसमें ज़्यादा नहीं डाला, इसलिए क्योंकि सारी रात के चने भीगे हुए थे तो इनको जो है वो थोड़ा कम पानी चाहिए होता है ये। और वैसे भी कुछ कुकर्स ऐसे होते हैं कि जिनमें चीज़ कम पानी में पक जाती है, तो ये मेरा कुकर ऐसा है कि जिसमें चीज़ जो है वो कम पानी में पक जाती है। अब हम इसका ढकना लगा के इसको बंद करेंगे और चूल्हे पर चढ़ा देंगे। हांडी मैंने चूल्हे पर चढ़ा दी है, तो अब हम बन लेते हैं आटा। आटा इस तरह से मैंने हाफ डन करके छोड़ दिया है, इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे क्योंकि ये गंदम का आटा है। तो इसको अगर ऐसे हाफ डन करके 10 मिनट छोड़ने के बाद भूनें तो ये बहुत अच्छा सॉफ्ट और स्मूथ बनता है। तो 10 मिनट के बाद इसको भून लेते हैं। जी, आटे को छोड़े 10 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसको भून लेते हैं। आटा हमने भून लिया और हमारे प्रेशर के भी चलते हुए तकरीबन 10 मिनट होने वाले हैं। इसको हमने कुछ 3-4 मिनट और प्रेशर देना है, उसके बाद फिर इसको हमने खोल लेना है और चनों को अच्छी तरह भून लेना है। लाहौरी चने हों, उनका नाश्ता हो और साथ अंडे ना हों तो ये तो नहीं हो सकता, तो इसलिए यहाँ मैंने 2 अंडे भी बॉयल करने के लिए रख दिए हैं। चने क्योंकि हमारे अब बनने वाले हैं, गार्लिक प्रेशर खुलने वाला है और उसके बाद फिर हमने चनों की चटनी है भुनाई और साथ हमने इसके बाद बनानी है रोटी, यानी अब हमारा चूल्हे का काम है। तो चूल्हे के पास आने से पहले मैं अपनी तमाम बहनों को जो मुझे देख रही हैं सुन रही हैं, उनको मैं ये कहूँगी कि वो अपने फेस पे चूल्हे के पास आने से पहले ये एक सन ब्लॉक है, टैगमैन सन ब्लॉक SPF 60, ठीक है। ये एक मेडिकेटेड सन ब्लॉक है, तो डॉक्टर से बकायदा कंसल्ट करके मैं ये बात आपको उनको कह रही हूँ कि ये सन ब्लॉक जो है ये आप अपनी स्किन पे चूल्हे के पास आने से पहले ज़रूर लगाएं। और ये मेडिकेटेड सन ब्लॉक है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये आपकी स्किन को बहुत अच्छा बहुत स्मूथ कर देगा। जो गर्मी से चूल्हे के पास आने से हमारी स्किन के ऊपर ब्राउन स्पॉट्स आ जाते हैं, टैनिंग हो जाती है, ये उसको कवर करने के लिए बहुत अच्छा है। तो ये जो है ये सन ब्लॉक आप जब भी चूल्हे के पास आपका काम हो, आप चूल्हे के पास आने से पहले इसको अपने फेस पे ज़रूर अप्लाई करें। तकरीबन 12 से 17 मिनट का मैंने चनों को प्रेशर दिया है और अब मैंने प्रेशर खोल दिया है। दोहरी चने हों, साथ अंडे हों और साथ दही की लस्सी ना हो, ये कैसे हो सकता है। तो अब हम बनाएंगे दही की लस्सी। दही की लस्सी बनाने के लिए जग में मैंने तकरीबन 1/2 पाव से थोड़ा सा कम ही लगभग दही डाला है और अब मैं इसमें दूध डालूंगी। ये कप मेरे पास था तो ये 2 कप मैंने भर के दूध के इस जग में डाले हैं। अब हम इसमें पानी, बर्फ़ और चीनी ऐड करेंगे। आप चीनी की जगह नमक भी शामिल कर सकते हैं, जैसे आप जो है वो लस्सी पीना पसंद करते हैं, लेकिन चीनी भी इतनी नहीं कि बहुत ज़्यादा मीठी लस्सी हो जाए, बस इतनी कि दही की में अगर हल्की सी खटास है तो वो खटास जो है वो चीनी ख़त्म कर दे। तो अब हम इसमें पानी और बर्फ़ डालते हैं। ये मैंने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर रही हूँ और अब बाकी इसमें मैं बर्फ़ शामिल करूँगी। इसमें मैंने तकरीबन 4 छोटे चम्मच जो हैं जो मसाले वाले डब्बों के अंदर चम्मच होते हैं, वो चम्मच मैंने चीनी के डाले हैं 4। इसके अंदर मैंने कोई 8 फ्रूट्स बर्फ़ के डाले थे और अब मैंने इसको ब्लेंड कर लिया। ये देखें जी, जाग वाली मज़ेदार सी लस्सी हमारी
तैयार हो चुकी है। ये कितने मज़े की झाग आई है ऊपर, निकल चुका है। तो अब हम इसको खोल के देख लेते हैं कि ये हमारे चने किस कंडीशन में। ये देखिए, मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि मेरा कुकर पानी कम लेता है, मैंने कितना कम पानी डाला लेकिन पानी अभी भी वैसे का वैसे मौजूद है। चने गल चुके हैं तो अब हम पानी को खुश कर लेंगे और फिर इसमें जल्दी से ऑयल डाल के इसको भून लेंगे। अंडे हमारे बॉईल हो चुके हैं तो अब इनको हम चूल्हे से उतार लेंगे और इस चूल्हे पे रखेंगे तवा और साथ बनाएंगे रोटी। चनों का पानी तकरीबन खुश्क होने वाला है। इतनी देर में हम अपनी रोटी तैयार करते हैं। ये देखें जी, चनों का पानी हो गया है खुश्क। मैंने इसमें ऑयल डाला था तो ये अब चने जो हैं वो मेरे अच्छी तरह भुनने वाले हैं। देखें, ऑयल बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, मुनासिब सा ऑयल है कि जिसके साथ आप खाना नाश्ता अच्छी तरह अपना खा सकते हैं। आप चाहें तो इसकी थोड़ी सी ग्रेवी भी बना लें तो, लेकिन हमारे घर में ऐसे थोड़ा ज़रा खुश्क पसंद किए जाते हैं। तो चूल्हा मैं कर दूँ बंद और ये हमारे मज़ेदार से चने तैयार हो गए। देखिए कितने ज़बरदस्त तैयार हैं, माशाल्लाह, देखिए कितने मज़ेदार और ज़बरदस्त तैयार हैं। तो इधर मेरा तवा गर्म हो चुका है, अब मैं बनाऊंगी रोटी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी और नाश्ते की रूटीन अच्छी लगी होगी। आप भी चने बनाएं, साथ अंडे बॉईल करें, साथ लस्सी बनाएं और साथ रोटी बनाएं और इस नाश्ते को एंजॉय करें। लेकिन कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी, ये नाश्ता कैसा लगा। मिलते हैं कुछ और नई अच्छी रेसिपीज़ और वीडियोस के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ज़ारा को इजाज़त दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। गाँव में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।